ऐसा था, 4 सितंबर 2023 के टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में बड़ी विस्तार से खबर छपी कि तमिलनाडु के एक मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र हैं, उन्होंने हमारे सनातन धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणी और भाषण दिया है। और ये कहा है कि जिस प्रकार कोरोना, डेंगू और मलेरिया का समूचा विनाश किया जा रहा है, उसी प्रकार सनातन धर्म का भी विनाश होना आवश्यक है। इस वक्तव्य को, इस अभद्र भाषण को अगले दिन या उसी दिन प्रियंका खड़गे, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं और कांग्रेस राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं, उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के इस भाषण का, अभद्र भाषण का समर्थन किया और ये कहा कि ये एक बीमारी है, सनातन धर्म को एक बीमारी बताया। उनका ये भाषण 5 सितंबर 2023 के अमर उजाला के अखबार में प्रकाशित हुआ। इन प्रकाशन को पढ़कर हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हमारा सनातन धर्म एक पुरातन धर्म है और एक अनंत धर्म है, निरंतर धर्म है, निरंतरता है उसमें, अनंतता है उसमें, जिस पर किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी भी धर्म के व्यक्ति को कोई टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म किसी के ऊपर लादा नहीं जा रहा है, जो अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म को अडॉप्ट कर सकता है, अनुयायी बन सकता है। सनातन धर्म एक बहुत विशाल धर्म है। इस प्रकार की टिप्पणियों से, इस प्रकार की अभद्र भाषण से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। और एक ये इन लोगों का, इन दोनों व्यक्तियों का ये प्रयास है कि एक इन धार्मिक उन्माद फैलाए जाने का, ये द्वेष भावनावश ये इन्होंने ये भाषण दिया है, जिससे कि वर्ग विशेष में धार्मिक उन्माद उत्पन्न हो और एक अराजकता का माहौल पैदा हो। तो आज आपने क्या किया इसको लेकर? आज हमने, मैंने और हमारे पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन रामपुर श्री राम सिंह लोधी ने एक तहरीर पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर को दी, जिस पर उन्होंने थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज कराया है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हुआ है हमारा 153A और 295A IPC। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, नियमानुसार कार्रवाई चाहते हैं। इन्होंने, आरोपी जो है वो संवैधानिक पद पर है, उससे जो FIR हुई है उस पर कार्रवाई किस हद तक करना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई? देखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो संवैधानिक पद पर हो या किसी लोक सेवक के पद पर हो, उन्होंने अपने ये दायित्वों के निर्वहन के अंतर्गत उन्होंने ये अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जानबूझकर हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए प्रयोग किया है, जिसकी वजह से, जिसके लिए उनको किसी भी कानून का समर्थन प्राप्त नहीं है। तो क्या ऐसे सियासियों को ये भाषण या वोट बैंक की राजनीति के लिए दी जाते हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, कि जिन लोगों ने भाषण दिया, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति जरूर है, लेकिन उनको जितने बड़े पद पर वो आसीन है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल अपने ही वर्ग विशेष के मंत्री या पद पर आसीन नहीं है, वो पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट में सभी प्रकार के, सभी धर्मों के व्यक्ति निवास करते हैं। आपको क्या लगता है कि उनके दिमागों में सनातन धर्म के प्रति किस तरीके की भावना? सनातन धर्म के प्रति उनके इस भाषण से ये प्रतीत होता है कि सनातन धर्म के प्रति उनके मन में पूरा निरादर है और वो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं और सनातन धर्म को वो समूल नाश कर देना चाहते हैं और जिस विशेष धर्म के वो अनुयायी हैं, उस धर्म को वो हिंदुस्तान की जनता पर लाद देना चाहते हैं। इसी अभद्र भाषण और हेट स्पीच का एक मामला माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में आया, जिसमें 28/4/2023 को माननीय सर्वोत्तम न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि ऐसे हेट स्पीच के मामलों में धारा 153A, 153B, 295A, 506 IPC के अंतर्गत शासन को और प्रशासन को स्वयं बिना किसी परिवाद के, बिना किसी कंप्लेंट के संज्ञान लेकर और कार्रवाई करनी चाहिए। और ये
ये आदेश समस्त राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को रजिस्ट्रार के माध्यम से सर्कुलेट किया गया है। ये कहूँगा कि ये एक गंभीर अपराध है। अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़रूर है, लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है कि जिससे किसी दूसरे की भावना को ठेस पहुँचे। कानून में इसको अपराध माना गया है और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ़ कार्रवाई किया जाकर उनको सज़ा मिलनी चाहिए।